एलियंस ब्रह्मांड में सच में मौजूद है। इनफैक्ट इजराइल और अमेरिका जैसे देशों को इसके बारे में सब कुछ पता है और वो एलियंस के संपर्क में भी हैं। इसके अलावा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी इसके बारे में पूरी जानकारी थी। वो दुनिया को इसके बारे में बताना भी चाहते थे, लेकिन एंड टाइम पे एलियंस ने डोनाल्ड ट्रंप को ये कहते हुए मना कर दिया कि मानव जाति इसके लिए तैयार नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि मैं ये कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रहा हूं, लेकिन ये मेरा दावा नहीं है, ये दावा है इजराइल के अंतरिक्ष सुरक्षा प्रोग्राम के चीफ हेम इशत का, जिन्हें इजराइल में सैटेलाइट जनक भी कहा जाता है। उनका तो ये भी दावा है कि अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट और एलियंस ने आपस में मिलकर गैलेंटिक फेडरेशन बनाई है, जिसका बेस मंगल ग्रह के अंडरग्राउंड में। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है वो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन किसी देश के जिम्मेदार अधिकारी का ऐसी बातें कहना चौंकाने वाली बात है। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आज तारीख है 21 जून और आज का दिन घंटों के हिसाब से पूरे साल का सबसे बड़ा दिन होगा और आज की रात सबसे छोटी रात होगी। गाइस, इसे समर सोलिस्टिस भी कहा जाता है। समर सोलिस्टिस का मतलब है कि आज के दिन सूरज बाकी दिनों के मुकाबले ज्यादा देर तक दिखाई देगा। पृथ्वी जो कि सूरज का चक्कर काटती है आज ऐसी सिचुएशन पर होगी जिसपे सूरज की रोशनी पृथ्वी पर ज्यादा देर के लिए पड़ेगी। आज का दिन इंडिया में 13 घंटे 12 मिनट तक लंबा होगा, वहीं फिनलैंड, ग्रीनलैंड और नॉर्वे में आज के दिन सूरज मिडनाइट तक दिखेगा। इसके अलावा आर्कटिक में तो सूरज डूबेगा ही नहीं। गाइस, 21 जून के बाद दिन छोटे होते चले जाएंगे और रातें बड़ी होती चली जाएंगी। 21 सितंबर को दिन और रात लगभग बराबर होंगे और उसके बाद आएगा 21 दिसंबर जब दिन साल का सबसे छोटा दिन होगा और रात सबसे लंबी। गाइस, आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली